नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक जनहित याचिका पर दिए गए आदेशों के बाद नैनीताल जिले में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे काबिज लोगों का जिला प्रशासन की अगुवाई में विभिन्न विभागों की ओर से चिन्हीकरण किया जा रहा है और इससे कई लोग कार्रवाई के भय से आशंकित हैं। ऐसे में नैनीताल की डीएम वंदना सामने आई हैं और उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है। डीएम वंदना ने बताया कि विभिन्न विभागों की ओर से किए गए सर्वेक्षण में नैनीताल जिले के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 500 से अधिक अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। इन्हें 10 से 15 दिन की अवधि में अपने संबंधित प्रपत्र पेश करने को कहा गया है। देखिए इस मामले में आगे डीएम ने क्या कुछ कहा। जिसके क्रम में जो हमारे स्टेट हाईवेज हैं और नेशनल हाईवेज हैं, जिले की जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं, उनके किनारे अतिक्रमण को चिन्हित करके विधिवत नोटिस प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश हमने विभागों को दिए थे, जिसके अनुसार विभागों ने जो PWD है, NH है, इन विभागों ने अपनी सड़कों के किनारे अतिक्रमण का चिन्हीकरण पूर्ण किया है और जो लोग अतिक्रमणकर्ता पाए गए हैं उनको नोटिसेस भी निर्गत किए हैं। इसमें लगभग 500 से ज़्यादा अतिक्रमण अभी तक चिन्हित करे जा चुके हैं विभिन्न विभागों के माध्यम से और नोटिसेस भी निर्गत किए गए हैं। हमने विभागों को ये निर्देशित किया है कि आप जैसे ही नोटिस पीरियड पूर्ण होता है, यदि किसी प्रकार का कोई अदर साक्ष्य संबंधित अतिक्रमणकर्ता द्वारा नहीं दिया जाता तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई विभाग के माध्यम से शुरू करी जाएगी। नोटिस पीरियड जो दिया गया है 10 दिन या 15 दिन केस टू केस बेसिस पर संबंधित अतिक्रमणकर्ताओं को, उसमें कुछ ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं जहां विभाग के माध्यम से उक्त सड़क में जो भूमि पर जहां अतिक्रमण का नोटिस दिया गया उस भूमि को अधिग्रहण नहीं किया गया है, ना ही विभाग के नाम पर वो भूमि दर्ज है और ना ही विभाग के द्वारा उस भूमि को अर्जित करने का या अधिग्रहित करने का किसी प्रकार का मुआवजा या कॉम्पनसेशन संबंधित काश्तकार को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वर्तमान में भी रेवेन्यू अभिलेखों में वो भूमि जो है संबंधित जो काश्तकार हैं, किसान हैं, उन्हीं के नाम पर श्रेणी एक का के रूप में दर्ज है। विभाग ऐसे जो मामले हैं उसमें विभागों को हमने ये निर्देशित किया है कि संबंधित व्यक्ति आपके नोटिस के क्रम में अभिलेख अपने अगर आपत्ति के रूप में पुटअप करता है तो उसको सुनवाई का अवसर दिया जाए, उससे साक्ष्य लिए जाएँ, विभाग के अभिलेखों से उसका मिलान किया जाए, कहीं रेवेन्यू विभाग के माध्यम से उसका सर्वेक्षण कराकर सत्यापित कराने की आवश्यकता है तो तहसील की टीमों के माध्यम से भी उसको सत्यापित कराया जाए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी भूमि पर है और विभाग के पास कोई भी विधिक अभिलेख उपलब्ध नहीं है तो उसको अतिक्रमण के रूप में नहीं माना जाएगा। जहां अभिलेख उपलब्ध हैं विभागीय भूमि होने के और जहां विभाग के ROW में उस उक्त भूमि के होने के अभिलेख उपलब्ध हैं, जहाँ विभाग प्रॉपरली मुआवजा डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, कॉम्पनसेशन दे चुका है, उसके बाद भी संबंधित भूमि पर अतिक्रमण है या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है जो रेवेन्यू के नाम पर दर्ज है या वन की भूमि पर अतिक्रमण है जो वन के नाम पर दर्ज है, ऐसे अतिक्रमण को ही प्रथम चरण में टेकअप किया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।